हेलो दोस्तों, आज का क्लास है ब्रश पेन डे टू क्लास। आज के इस क्लास में ब्रश पेन के हम लोग और एक तरीका सीखेंगे जिससे ब्लेंड करना हो जाएगा और भी ज़्यादा आसान। ये आप लोग देख सकते हैं, पिंक कलर मैंने ले लिया है। इस कलर को बोर्ड टेक्निक हम लोग अब दिखाएंगे। इस तरह से पानी में बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया और ब्रश पेन के ये जो ब्रश है इसे मैंने हल्का सा पानी में भिगा लिया। अभी एक फ्लावर में ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। आप लोग देख सकते एकदम लाइट जो कलर है लाइट होकर नीचे पड़ रहा है। पहले आप लोग क्या देखते थे कि ये जो कलर है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता था, ब्लेंड करने में भी बहुत मुश्किलें आते थे, मगर अभी हम लोग ये वाला जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं इसके लिए ये हमारा जो कलर है ये हो जाएगा बहुत ज़्यादा लाइट और ब्लेंड करना भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा आसान। अभी आप लोग देख सकते लेयर बाय लेयर में कम्प्लीट कर रहा हूँ। अभी इसे डिटेल में सीखना है अगर आपको तो वीडियो को एंड तक सीखिए, देखिए और जानिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए और जरूर कमेंट करते रहिए। और हमारा जो डे वन क्लास है ब्रश पेन का, अगर वो वाला क्लास आपने नहीं अटेंड किया है अभी तक, जरूर चले जाइए हमारे चैनल पेज पर या फिर हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। अभी इतना काम हो जाने के बाद हमें चाहिए होगा रेड कलर। अभी चलिए ब्रश को रख लेते हैं यहाँ पर और ये जो है रेड कलर हमने ले लिया। और इससे क्या करना है, बीच में छोटा सा सर्कल बनाने की मैं कोशिश करूंगा। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये वाला जो लाइन में अभी कर रहा हूँ इजीली ब्लेंड हो जाएगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप लोग देख सकते हैं ब्लेंड हो रहा है। अभी कुछ लाइन इस तरह से मैं दे दूंगा जो बाद में बहुत बढ़िया दिखेगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिए और स्टेप बाय स्टेप सीखते रहिए। अगर आपने स्किप कर दिया तो बहुत कुछ आप लोग मिस कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग के जो पैटर्न होते हैं वो दिखने में कंप्लीट होने हो जाने के बाद दिखने में तो बहुत बढ़िया दिखते हैं, मगर उसका जो बेसिक जो है वो कैसे करते हैं, स्टेप कैसा है, ये जानने के लिए आपको पूरा एंड तक ही वीडियो देखना पड़ता है। बस इतना काम करने के बाद अभी इसे थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद दूसरा वाला यहाँ पर बनाते हैं। इसका काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इसे हम लोग बाद में फिर से करेंगे। उससे पहले चलिए ये वाला कलर फिर से मैं ले लेता हूँ और दूसरा वाला यहाँ पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं फिर से उसी प्रोसेस का मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सो गाइस, इसको थोड़ा सा मैं स्पीड और स्किप करके दिखा रहा हूँ, सेम प्रोसेस होगा। गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं जो पहला वाला लेयर हमने इसमें किया था वही लेयर हमने यहाँ भी कर दिया। अभी हमें चाहिए होगा, ये आप लोग देख सकते हैं इसे मैंने ले लिया और इस कलर से सेम ये वाला जो डीप पोर्शन था वो हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले बीच में एक सर्कल छोड़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद एक एक करके जो पार्ट है इन्हें अलग करेंगे, उसके बाद लेयर बाय लेयर काम करते जाएंगे जैसे पहले वाले में हमने किया था। आप लोग देख पाएंगे जब ये सूख जाएगा कितना बढ़िया दिखेगा। उसके बाद हम लोग सूखने के बाद जो तीसरा वाला लेयर है वो हम लोग देंगे। अभी दूसरा वाला लेयर चल रहा है। अगर आप एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं तो इसी तरह से देखते रहिए और एक एक बात को ठीक से सुनते रहिए। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी चित्रकार योगी पर चले जाइए, मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। बस इतना ऐसे ही करके छोड़ देंगे, आप लोग देखेंगे किस तरह से ये अपने आप ब्लेंड हो रहा है। इस कलर से थोड़ा सा काम इसमें भी हम लोग कर देते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है ना। अभी भी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, उन्हें भी हम लोग करेंगे। पत्ते भी चाहिए ना, इतना कंप्लीट करने के बाद कुछ पत्ते भी हमें ड्रॉ करना है। पत्ते के बिना फ्लावर कैसा रुखा सुखा नहीं लगता। चलिए ये तो हो गया, बीच वाले में भी कुछ कलर होंगे बाद में, अभी तो नहीं होगा, अभी से सूखने देते हैं। उस सूखने के वक्त जितना भी टाइम लगेगा उतने टाइम में हम लोग कुछ पत्ते ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लाइट ग्रीन कलर ले लिया और सेम प्रोसेस से इस तरह से भिगा लिया और ये आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया पत्ता हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। इसी तरह से और की तरफ अभी हमें चाहिए होगा डीप ग्रीन। ये रहा डीप ग्रीन कलर, इसे ले लेते हैं
और एक एक करके जिस तरह से हमने पत्ते ड्रॉ किए थे उन्हें कंप्लीट करेंगे। ये पहला वाला तो हो गया, इसी तरह से दूसरे वाले को भी कंप्लीट करते हैं। ब्रश पेन से कलर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बेसिक ठीक से सीख जाएंगे तो फिर कोई बात नहीं, आप लोग कोई भी ड्राइंग ठीक से कर पाएंगे। इसे ब्लेंड कैसे करना है, कैसे कलर देना है, ये सिर्फ आपको सीखना है। ये आप लोग देखिए अपने आप ब्लेंड हो रहा है। अभी दोस्तों इतना काम हो जाने के बाद हमें चाहिए होगा ब्राउन कलर। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउन कलर रखा हुआ था, मैंने ले लिया। अभी बीच वाले जो हिस्से हैं इन्हें थोड़ा सा ब्राउन कलर से इस तरह से डॉट डॉट कर देंगे। मैंने तो पहले ही बताया था कि बीच वाले हिस्से में भी थोड़ा सा कलर हम लोग देंगे। ये हो गया वो वाला काम। अभी इसी से थोड़ा सा पतला पतला करके यूं कर देंगे, बाद में और थोड़ा सा काम हम लोग दूसरे कलर से करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं। बस इतना हो गया आने के बाद अभी दूसरे वाले को भी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा। बस इतना काम हो जाने के बाद मैं फिर से ले रहा हूँ रेड कलर, क्योंकि ये वाला जो ड्राइंग है इसमें थोड़ा सा रेड कलर चाहिए होगा, जो हमने नहीं दिया है वो दे देते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं इस तरह से मैं रेड कलर कर रहा हूँ बीच वाले हिस्से में, थोड़ा सा करते करते कितना हो गया। अरे ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा दे देता हूँ। ये वाला कलर नहीं देना है, सूखने के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, उसके बाद ये वाला कलर करना चाहिए। और दोस्तों इसके साथ हो गए हैं हमारे ड्राइंग कंप्लीट। कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में बताते जाना, और ट्राई जरूर करना, सीखते रहना और देखते रहना। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।